नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ढाई सालों के बाद स्कूल जाएंगे एलकेजी और यूकेजी के बच्चे। बिहार में पैक्स कर्मियों की बहाली बर्खास्तगी में नहीं चलेगी अब अध्यक्षों की मनमानी। दिवाली और छठ को लेकर चलाई जाएगी कई स्पेशल ट्रेन। आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान में सीएम नीतीश कर रहे हैं चुनावी जनसभा। बिहार में योजना एवं विकास विभाग के अफसरों को सरकार की बदनामी की नहीं है कोई चिंता। चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद होने वाली घटनाओं पर पुलिस की है पैनी नजर। बिहार पंचायत चुनाव का आयोजन बिहार में करवाया जा रहा है जिसके तहत ही 5 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन अब तक हुए चुनाव से कई ऐसी खबरें सामने आई है कि चुनाव परिणाम आने के बाद कई जगहों पर छिटपुट हिंसा देखने को मिली है। हालांकि पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों को लेकर बेहद ही सख्त है। यही कारण है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विनय कुमार ने सभी जिलों के एसपी को जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। इसको लेकर उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद विजयी और पराजित उम्मीदवारों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा है, जिसके तहत ही अब विजयी और पराजित उम्मीदवारों का अगर आपराधिक इतिहास रहा है तो निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनसे बॉन्ड भरवाया जाए। अगर इसके बावजूद कोई घटना होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पैक्स कर्मियों की बहाली बर्खास्तगी में नहीं चलेगी अब अध्यक्षों की मनमानी। बिहार में पैक्स कर्मियों की बहाली बर्खास्तगी को लेकर अहम जानकारी निकल कर के सामने आई है, जिसके तहत अब कर्मियों की बहाली बर्खास्तगी में अध्यक्षों की मनमानी खत्म की जानी है। इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के मॉडल पर पैक्स कार्मिक नियमावली बिहार में भी तैयार हो रही है, जो कि सहकारिता विभाग राज्य के सभी 8463 पैक्स में लागू होगी। एक बार अगर यह नियमावली लागू हो गई तो पैक्स अध्यक्ष अपने पैक्स प्रबंधक सेल्समैन आदि कर्मियों की बहाली बर्खास्तगी में मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। इससे सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि राज्यभर में नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष द्वारा चुनाव के तुरंत बाद पुराने पैक्स कर्मियों को हटाने और नए को बहाल करने का सिलसिला थम जाएगा। छठ में घर आने वाले प्रवासियों की बड़ी मुश्किलें। बिहार में दिवाली और छठ दो ऐसे त्योहार हैं जो बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने का रिवाज है। यही कारण है कि इन त्योहारों में बिहार से बाहर गए प्रवासी भी घर आने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि हर साल की भांति इस साल भी प्रवासियों के आने की होड़ जारी है। यही कारण है कि त्योहारों में घर आने के लिए ट्रेनों में जगह ही नहीं है, क्योंकि आने वालों की संख्या बहुत है। आलम कुछ यूं है कि तेजस, राजधानी, संपूर्ण क्रांति सहित अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें में कंफर्म सीटें फुल हैं। 30 अक्टूबर के बाद ट्रेनों में वेटिंग की संख्या काफी है, जिसके कारण यात्री काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। ढाई साल के बाद स्कूल जाएंगे एलकेजी और यूकेजी के बच्चे। बिहार में कोरोना के कारण बच्चों के भविष्य के साथ काफी खिलवाड़ हो चुका है, जिसके बाद करीब ढाई साल के बाद एलकेजी और यूकेजी के बच्चों के लिए स्कूल के द्वार एक बार फिर से अब खुलने वाले हैं। इसको लेकर बिहार में तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। चूंकि बिहार में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है, ऐसे में छठ के बाद लगभग सभी स्कूलों में जूनियर कक्षाएं खोल दी जाएंगी। राजधानी पटना के कई स्कूलों को खोलने का काम किया जा चुका है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बिहार के सभी स्कूलों को दोबारा से खोल दिया जाएगा, जिसके तहत ही अब जिन कक्षाओं में एलकेजी और यूकेजी के बच्चे बैठेंगे उन सभी कक्षाओं को सजाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 50% ही बच्चे स्कूल आ रहे थे, लेकिन अब सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। दिवाली और छठ को लेकर चलाई जाएगी कई स्पेशल ट्रेनें। दिवाली और छठ के समय में घर आने वालों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गाड़ी संख्या 09817 09818 दानापुर कोटा दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 3-3 ट्रिप, जबकि गाड़ी संख्या 05281 05282 दरभंगा अमृतसर दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल वाया नरकटियागंज का परिचालन 2-2 ट्रिप किया जाएगा। कोटा दानापुर फेस्टिवल स्पेशल 2 नवंबर 5 नवंबर और 11 नवंबर को, दानापुर कोटा स्पेशल 3 नवंबर 6 नवंबर और 16 नवंबर को, वहीं दरभंगा अमृतसर फेस्टिवल स्पेशल 12 और 19 नवंबर को चलाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने वाले लोगों की संख्या बेहद ही कम। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत बिहार सरकार लगातार लोगों से वैक्सीन लेने का अनुरोध कर रही है। हालांकि बिहार इसी बीच चौंकाने वाले आंकड़े सामने पेश कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या बिहार में पहले डोज ले चुके लोगों की अपेक्षा में काफी कम है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी काफी चिंतित है। यही कारण है कि विभाग अब वैसे लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक 6,46,76,771 वैक्सीनेशन हुए हैं। इनमें से पहले डोज वालों की संख्या 4,85,39,000
840 है, जबकि सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या 1,61,36,931 ही है। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनका सेकेंड डोज का समय आ गया है लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली है। बिहार के किसानों को मिला तोहफा। बिहार के किसानों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत राज्य के 13 जिलों में सरकार ने 328 कृषि यंत्र बैंक बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पटना और मगध प्रमंडलों में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। दोनों ही योजना में सरकार यंत्रों पर 80% अनुदान देने वाली है। इसके साथ ही यंत्र बैंकों के लिए अधिकतम अनुदान की राशि 8 और विशेष बैंक के लिए 12,00,000 रुपए तय की गई है, जिसके तहत ही इन दोनों योजनाओं को रबी मौसम में ही शुरू करने की योजना बनाई गई है। साथ ही तकनीकी ट्रेनिंग के लिए रबी मौसम में 40,000 किसानों को एक्सपोजर विजिट भी कराया जाएगा। इन किसानों को जलवायु के अनुकूल खेती के तहत चल रही योजनाओं को फील्ड में ले जाकर दिखाया जाएगा। ज्ञात हो सीएम नीतीश ने हाल ही में रबी महाअभियान की शुरुआत की है, जिसके बाद ही कृषि विभाग ने भी तुरंत ही इनके लिए बनी योजनाओं को सार्वजनिक कर दिया है। बीएयू के 300 वैज्ञानिकों ने आज से शुरू किया अपना हड़ताल। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज और रिसर्च सेंटर में काम करने वाले वैज्ञानिक सोमवार और मंगलवार को कलमबंद हड़ताल पर रहने वाले हैं, क्योंकि इन वैज्ञानिकों की कुछ मांगे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि रुके हुए प्रोन्नति और विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार काम कराने को लेकर कई महीनों से आवाज उठाने का काम किया जा रहा है, इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके बाद पिछले कई दिनों से प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन और सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से कलमबंद हड़ताल चल रही है, जिसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अगर मांग नहीं मानी गई तो आगामी 29 और 30 अक्टूबर को कलमबंद हड़ताल की जाएगी। इसके बाद 16 नवंबर से बीएयू अंतर्गत सभी कॉलेज के वैज्ञानिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भागलपुर ट्रिपल आईटी के छात्रों ने तैयार किया स्मार्ट हाउस, चोरों की बढ़ेगी मुश्किलें। बिहार में हर दिन चोरों के उत्पात की कई खबरें सामने आती रही है, जिससे आम नागरिक की मेहनत की कमाई ये चोर तुरंत ही गायब कर देते हैं। हालांकि अब चोरों से निजात पाने के लिए भागलपुर ट्रिपल आईटी के छात्रों ने कमाल कर दिया है, जिसके तहत इन छात्रों ने स्मार्ट हाउस बनाने का काम किया है। इस नए हाउस में रखे गए हर सामान पर घर के मालिक की नजर होगी। सबसे खास बात यह है कि यह एक निश्चित पासवर्ड से खुलेगा और बंद होगा। नेट के जरिए घर के सभी सामान घर के मालिक के मोबाइल से कनेक्ट होंगे। सबसे खास बात यही होगी कि इस स्मार्ट हाउस से आप विदेश में भी बैठे बैठे आप अपने घर की निगरानी कर सकेंगे। आपको बता दें, हैकाथॉन में छात्रों द्वारा तैयार मॉडल को देश स्तर पर काफी सराहा गया है। आज से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में सीएम नीतीश कर रहे हैं चुनावी जनसभा। बिहार के दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं इस चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलवाने के लिए कई बड़े चेहरे भी अब मैदान में नजर आने लगे हैं। वहीं आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान में सीएम नीतीश चुनावी जनसभा में शामिल हुए, जिसके तहत आज जहां एक तरफ सीएम नीतीश इस जनसभा का हिस्सा बनेंगे तो वहीं लालू प्रसाद यादव भी बिहार पहुंच चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश के चुनावी सभा में उनके साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहने वाले हैं, जिसके बाद यहां से ये बड़े नेता चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। कांग्रेस ने पूछा, हमारे बिना सीएम कैसे बनेंगे तेजस्वी। बीते दिन लालू प्रसाद यादव के कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयान से पार्टी को बहुत चोट पहुंची है। यही कारण है कि राजद के रवैये और लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने अपशब्दों का प्रयोग किया है, कांग्रेस इसकी भर्त्सना करती है। राजनीति में गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए, अगर यही रवैया रहा तो कांग्रेस भी संयम तोड़ने में से पीछे नहीं रहेगी। वह इस मुद्दे को लेकर के राजेश राठौर ने कहा कि लालू प्रसाद को यह ध्यान नहीं आ रहा है कि बिना कांग्रेस के 19 विधायकों के समर्थन के उनके पुत्र तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लालू यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो कांग्रेस से दूर होकर जदयू या भाजपा किसके साथ जाकर अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। बिहार में योजना एवं विकास विभाग के अफसरों को सरकार की बदनामी की नहीं है कोई चिंता। बिहार सरकार लगातार खाता बही में दर्ज हिसाब में गड़बड़ी के कारण फजीहत का सामना कर रही है, लेकिन इसका असर अफसरों पर नहीं पड़ते देखा गया है। महालेखागार ने भी कई बार योजना एवं विकास विभाग में ऑडिट के दौरान कई विसंगतियों को पकड़ने का काम किया है। बनाए गए नियम के अनुसार संबंधित अधिकारी को हर एक आपत्ति पर जवाब देना पड़ता है, लेकिन बार बार पत्र लिखने के बावजूद योजना एवं विकास विभाग के अभियंता और अधिकारी आपत्तियों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर योजना एवं विकास विभाग के उपनिदेशक राजेश कुमार ने स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर स्थिति पर नाराजगी जाहिर की है। बेटे का बगावती रुख देखकर नरम पड़े लालू प्रसाद यादव। बीते दिन लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंचे थे, जिसके बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह तो देखने को मिला ही, साथ ही तेज प्रताप यादव की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ज्ञात हो, जैसे ही लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंचे, उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए उनके दोनों बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव
राबड़ी देवी की आवास पहुंचे। वहां से तेज प्रताप यादव बाहर निकल गए और आवास के बाहर ही धरना बोल दिया, जिसके बाद क्या था, बेटे के विरोध को देखकर पिता का दिल भी पिघल ही गया। जिसके बाद ही लालू प्रसाद यादव रात में ही तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे, जहां तेज प्रताप यादव ने पिता के पैर धोए। जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि तेज प्रताप यादव का गुस्सा थोड़ा शांत जरूर हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद रोहित को ड्रॉप करने की बात पर विराट ने दिया जवाब। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से यह सवाल उठाए जाने लगे थे कि आने वाले मैच में रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जाना चाहिए। हालांकि भारतीय टीम के कप्तान ऐसा नहीं मानते हैं। यही कारण है कि जब बीते दिन उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले मैच में रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं उस टीम के साथ उतरा जो मेरी नजर में बेस्ट थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप T20 इंटरनेशनल से रोहित शर्मा को ड्रॉप करेंगे, वो भी तब जब उन्होंने पिछले मैच में हमारे लिए जो किया उसके बाद? अविश्वसनीय। अगर आपको विवाद चाहिए तो मुझे पहले बता दिया करें, मैं उसके हिसाब से जवाब दूंगा। रोहित शर्मा इस मैच में गोल्डन डक का शिकार हुए हैं। आर्यन खान मामले में आज तीसरे दिन अनन्या पांडे से होगी पूछताछ। आर्यन खान को हाल ही में क्रूज की रेफ पार्टी से एनसीबी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस केस में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। हालांकि इन सबके बीच जहां एक तरफ आर्यन खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ अनन्या पांडे का नाम भी इस मामले में मुखर कर सामने आया है, जिसके बाद से अनन्या पांडे भी एनसीबी के निशाने पर है। यही कारण है कि अनन्या को अब तक दो बार इस केस में सुनवाई के लिए बुलाया जा चुका है, वहीं आज तीसरी बार अनन्या से पूछताछ की जाएगी। हालांकि इससे पहले हुए पूछताछ में अनन्या ने कहा है कि उन्होंने कभी किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया है। आर्यन खान के साथ जिस चैट की बात हो रही है वो मजाकिया लहजे में की गई थी। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस से मतभेद करने से राजद को नुकसान पहुंचेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।